आज का जो अपना टॉपिक है बिजी के अंदर वो है कि यदि अपन ने अपने बिजनेस के लिए कोई असेट परचेज करी और उसका अपन ने जीएसटी में इनपुट क्लेम भी कराया तो उसकी एंट्री अपन कैसे करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए मैंने अपने बिजनेस के लिए कंप्यूटर परचेज किया और उस पर 18% जीएसटी भी पेड किया, और जो मैंने जीएसटी पेड किया उसका मैंने जीएसटी में जब मैंने रिटर्न फाइल करी तो उसका इनपुट भी क्लेम किया। तो इस तरीके से असेट्स की एंट्री अपन बिजी में किस तरीके से करेंगे इसको आज अपन पूरा प्रैक्टिकली कर कर देखेंगे। सबसे पहले अपने को एक असेट्स बना लेनी है। फॉर एन एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने कंप्यूटर परचेज किया अपने बिजनेस के लिए डेली के काम के लिए, तो यहाँ पर जैसे मैंने असेट बना ली कंप्यूटर, ग्रुप डाल दिया फिक्स असेट्स। एक बार का भी डेप्रिसिएशन को छोड़ देते हैं और अब उस पर अपने को जैसे जीएसटी लगकर बिल आया और अपने को अब जीएसटी क्लेम भी करना है तो अपन यहाँ पर जीएसटी टाइप में लेंगे जीएसटी एप्लीकेबल। जीएसटी एप्लीकेबल में जैसे मैं मानता हूँ कि भाई कंप्यूटर पर 18% जीएसटी लगता है तो अपन यहाँ पर 18% ले लेंगे। उसके बाद आईटीसी एलिजिबिलिटी में आपको लेना है कैपिटल गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड्स टाइप का नेचर से अपन इसको असेट्स बनाएंगे तो यहाँ पर अपने को आईटीसी एलिजिबिलिटी में लेना है कैपिटल गुड्स। आरसीएम नेचर से है नहीं तो इसको अपन नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और इसको अपन सिंपली सेव कर देंगे। अब अपन एक आइटम क्रिएट करेंगे कंप्यूटर के ही नाम से। जैसे मैंने एक आइटम क्रिएट किया कंप्यूटर के नाम से, ग्रुप ले लेंगे जनरल, यूनिट्स को नॉट एप्लीकेबल कर देंगे, टैक्स कैटेगरी ले लेंगे 18%, और यहाँ पर आने के बाद आपको स्पेसिफाई परचेज अकाउंट्स में स्पेस बार दबाकर स्पेसिफाई हेयर करना है। देखिए स्पेसिफाई हेयर करने के बाद जो आपने लेजर्स बनाई है कंप्यूटर की उसको आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। अब इससे क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर ली कंप्यूटर, अब इससे क्या होगा जब अपन इस कंप्यूटर को परचेज करेंगे और सेलेक्ट करेंगे ये आइटम कंप्यूटर तो ऑटोमेटिकली वो उसकी जो वैल्यू होगी वो ये जो कंप्यूटर की अपन ने लेजर्स बनाई है सेट की उसमें चली जाएगी। तो इसलिए जो भी आइटम अपन ने बनाया इसको अपन ने यहाँ पर स्पेसिफाई हेयर में कंप्यूटर से लिंक करा दिया। इसको अपन सेव करते हैं और एक परचेज की एंट्री पास करते हैं कंप्यूटर की। मैं ट्रांजेक्शन पर जाता हूँ और एक परचेज की एंट्री जैसे अपन एक 15 दिसंबर में पास कर लेते हैं, एक बिल नंबर ले लेते हैं। लोकली अपन कर रहे हैं, एक पार्टी अपन जैसे ले लेंगे, एक लेजर्स अपन बना लेते हैं जिनसे अपन ने परचेज किया, जैसे एसएस इलेक्ट्रॉनिक से अपन ने ये परचेज किया ग्रुप। यहाँ पर आप ले लेंगे सनवी क्रिएटर्स सिंपल, और इसको F2 से आप सेव कर देंगे। यहाँ पर आप एसएस इलेक्ट्रॉनिक्स लेंगे। अब यहाँ पर आइटम एलिजिबिलिटी में आपको लेना है कैपिटल गुड्स, क्योंकि कैपिटल गुड्स है अपना। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपने अब जैसे कंप्यूटर सेलेक्ट किया, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू डाल दी 25,000 रुपये और एंड में आपने जीएसटी वगैरह लगा दिया, टोटल हो गए 29,500। अब इसका इम्पैक्ट अपन बैलेंस शीट में जाकर देखेंगे तो आपको 25,000 रुपये कंप्यूटर में फिक्स असेट्स में दिख जाएंगे। ये मैं डिस्प्ले पर गया, बैलेंस शीट्स पर गया, 1/4 से 15/12 के आप खोलेंगे, फिक्स असेट्स में आप जाएंगे, कंप्यूटर में देखिए 25,000 रुपये वैल्यू आ गई है और जो इनपुट का पार्ट है वो इनपुट में चल गया, उसको अपन क्लेम कर लेंगे। ड्यूटी एंड टैक्सेस, ड्यूटी एंड टैक्सेस में सीजीएसटी इनपुट और एसजीएसटी इनपुट 2,250 2,250 रुपये। इस तरीके से यदि आप कोई अपने बिजनेस के लिए असेट्स परचेज करें तो उसकी एंट्री आप ऐसे करेंगे। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप बिजी सीखना चाहते हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपन नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।